जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों इस समय इंद्रगढ़ में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं और आज शिव मंदिर में जो गांव के ग्रामीण हैं वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। गांव के लोग जो हैं हर दिन श्रृंगार करते हैं शिवलिंग का जो आज श्रृंगार किया है गांव के ग्रामीण हैं और उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शिवलिंग का श्रृंगार किया है। गांव के ग्रामीण महिलाएं बच्चे इस शिव मंदिर में उस धार्मिक स्थल पर पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर में आरती शुरू होगी और फिर प्रभु का गुणगान किया जाएगा, प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और आज राजकुमार जी हैं, एक डिपो चालक हैं, जो बुक डिपो होती है उनके चालक हैं और अपने आज बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने शिवलिंग का श्रृंगार किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्रगढ़ में स्थित इस समय शिव मंदिर से आपको दिखाई जा रही हैं। भव्य यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ अच्छी अच्छी सजाई हुई हैं और लगाई हुई हैं और आस्था है लोगों की भगवान के प्रति और वही आज दिखाने का दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आज देख सकते हैं इस आरती में शामिल होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्रगढ़ गांव में स्थित शिव मंदिर से दिखाई जा रही हैं। मंदिर में सबसे पहले बात करेंगे नंदी महाराज की, तो उनको भी पूजा जाता है क्योंकि वो शिव शंकर के जो हैं वाहक थे। और आप देख सकते हैं इस समय गांव के ग्रामीणों को इस प्रभु को याद करते नज़र आ रहे हैं, आरती में शामिल होते नज़र आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्रगढ़ गांव स्थित शिव मंदिर की दिखाई जा रही हैं, जहां एक तरफ त्रिशूल है भोले शंकर का और उस पर डमरू लगा हुआ है। ये प्रतीक होता है कि हिंदू आस्था में लोग कितना विश्वास रखते हैं। और इंद्रगढ़ गांव स्थित शिव मंदिर से आपको दिखाई जा रही है जहां पर श्रृंगार किया जाता है शिव लिंग का। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण हैं प्रभु को याद करते नज़र आ रहे हैं और जो आस्था है वो इस श्रद्धा भाव के अंदर दिखाई जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्रगढ़ स्थित शिव मंदिर से देख सकते हैं। शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है, साथ ही साथ जो पूजा पाठ है या आरती जो गांव के लोग हैं वो यहां पर आकर के करते हैं। श्रद्धा भाव दिखती है और शाम के समय हर रोज़ गांव के लोग यहां पर आते हैं, आरती में भाग लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को आप इस समय देख सकते हैं, यहां एक आस्था झलकती है और गांव के लोग इस आरती में शामिल होते हैं, प्रभु को शाम के समय सुबह के समय याद करते हैं। और हर रोज़ शाम के समय भी आरती यहां पर होती है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्रगढ़ गांव से दिखाई जा रही है, जहां पर शिवलिंग की पूजा आराधना की जा रही है। आप लोगों से दोस्तों अपील बनी रहेगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगाते रहें, भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूरी करे, ये प्रयास हमारा इस समय इस खबर के माध्यम से दिखाने का आपको बताया जा रहा है। शिव आरती में इस समय गांव के ग्रामीण शामिल होते नज़र आ रहे हैं, शिव आराधना करते नज़र आ रहे हैं, नतमस्तक होते नज़र आ रहे हैं और उस प्रभु को याद करते नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं, गुड़िया है, देखिए किस तरीके से आरती में शामिल होती नज़र आ रही है और आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रभु को याद करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्रगढ़ गांव स्थित शिव मंदिर से दिखाई जा रही हैं। प्रभु को याद करें तो सब कुछ मिल जाता है और प्रभु के चरणों में अगर लीन हो तो उस दिशा में भी जाया जा सकता है, उन उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है जिसको आप पाना चाहते हैं। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं बच्चे हैं इस कड़ी में ये खबर आपको दिखाया जा रहा है, प्रभु को याद किया जा रहा है, शिव शंकर को याद किया जा रहा है, क्योंकि उनकी महिमा का जितना गुणगान किया जाए
वो कम होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिस तरीके से धरती पर पाप हो जाता है, तो उन्होंने उन दुष्टों का भी संहार किया है। और प्रभु को याद भी करना चाहिए, उनको नतमस्तक होके प्रणाम भी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के प्रति जो आस्था होनी चाहिए यही दर्शाने का आज प्रयास किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्रगढ़ गांव में शिव मंदिर से दिखाई जा रही हैं। मंदिर में अगर बात करें तो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं जिनका पूजन किया जाता है, और किसी तरीके से आप देख सकते हैं भव्य तरीके से इन मूर्तियों को सजाया हुआ है, लाइटों की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर ग्रामीण आकर के प्रभु को याद करते हैं, मंदिर में आकर के माथा टेकते हैं और सिमरन करते हैं। तो आरती के बाद आप देख सकते हैं प्रसाद भी बच्चों में बांटा जा रहा है। प्रसाद लेते समय गांव के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसा खुशी में शामिल हैं, क्योंकि प्रभु को याद किया गया है। और एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। राजकुमार जी हैं जो अपने बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, प्रभु को याद किया है, और उन छोटे छोटे बच्चों को इस समय जो प्रसाद है वो देते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्रगढ़ गांव स्थित इस समय शिव मंदिर से दिखाई जा रही हैं। बच्चों की खुशी भी देखें, और प्रभु को याद करते हुए जो बच्चे हैं वो इस खुशी में शामिल होते नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, प्रसाद भी वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी देते नज़र आ रहा है। प्रसाद दिया जा रहा है, सबसे पहले आरती हुई, प्रभु को याद किया गया, और अब ये बच्चे जो हैं प्रसाद लेते नज़र आ रहे हैं। राजकुमार जी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और बच्चों को देखिए प्रसाद देते नज़र आ रहे हैं, महिलाओं को प्रसाद दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं, कितनी खुशी झलकती है जब प्रसाद लेते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्रगढ़ से दिखाई जा रही है, जहां पर शिव मंदिर में आज एक श्रृंगार कार्यक्रम था शिव जी के शिवलिंग का, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इंद्रगढ़ गांव स्थित इस समय शिव के मंदिर में पहुंचे हैं, और शिव की आराधना इस समय की गई। गांव के ग्रामीण हैं प्रदीप, उनसे एक बार जान लेते हैं। प्रदीप जी क्या कुछ कहेंगे आज ये शिव मंदिर में क्या कार्यक्रम? ओम नमः शिवाय। भाई प्रोग्राम तो यह है कि ये श्रृंगार की सेवा हो यहाँ पर हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। श्रृंगार की सेवा कोई मर्जी दे सका, तो श्रृंगार की सेवा जैसे आज होगी इसका प्रसाद कल वितरित किया जाएगा। हम तो एक युवा को यह संदेश देना चाहते हैं, जो युवा वर्ग है हमारा, कि नशे पत्ते से दूर रहकर इस शाम को शिव मंदिर की सेवा कराया कर अपना, ये संदेश हमारे युवाओं को सबको। कब से ये श्रृंगार का जो कार्यक्रम है आप लोग? ये भाई 6-7 महीने से लगातार चल रहे। अच्छा, तो ये सोच कहाँ से आई कि इस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए? यहाँ लोगों ने जागरूक किया भाई, जैसे उज्जैन में तैनाम श्रृंगार, तो उज्जैन की तरह अपने शिव मंदिर में श्रृंगार किया जाए, तो उसकी तरह से कार्यक्रम शुरू किए गए श्रृंगार का। तो शाम के समय हर रोज आरती होती है? हाँ, रोज आरती होती है, दोनों टाइम होगा, सुबह भी शाम को भी। अच्छा, आरती दोनों टाइम होती है, बाकी श्रृंगार है जो शाम के टाइम होगा, शाम के समय। हाँ हाँ, सुबह प्रसाद बांट। हाँ, सुबह प्रसाद जाता है। तो लोगों में कैसी आस्था है जब से भव्य मंदिर बना? भाई लोगों में बहुत बड़ी आस्था है, देख सारे तरह के आदमी हो, बाकी कुल मिलाकर बढ़िया खुश हैं लोग इस चीज़ से, सभी ग्रामीण बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मंदिर बना है, भव्य मंदिर है। हाँ, बहुत बढ़िया भव्य मंदिर है। अभी आपने देखे होगा चिकीर्ति फिर का सारी जगह, मतलब ऐसे मंदिर मेरे से मेला दो एरिया में होगा ना कहीं पर भी। लोगों की आस्था है बिल्कुल, बहुत बड़ी आस्था है बिल्कुल। शिव मंदिर को आप दे सकते हैं, और शिवलिंग को खासकर आप दे सकते हैं। लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल जो लो है शिवलिंग के आगे जो जलाई जाती है आप दे सकते हैं। ये आस्था होती है, आस्था पर ही पूरी दुनिया कायम होती है, और उसी आस्था को आज दर्शाने का और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्रगढ़ गांव स्थित शिव मंदिर से दिखाई जा रही हैं। इंद्रगढ़ गांव स्थित शिव मंदिर में पहुंचे हैं, और राजकुमार जी अपने छोटे बेटे का जो जन्मदिन है वो यहां पर मनाया है। तेजस बच्चे का नाम है, और 12 वर्ष की आयु जो है उन्होंने पूरी कर ली है, और परिवार के लोगों ने सोचा कि एक धार्मिक और ऐसा कार्य किया जाए, प्रभु के प्रति आस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी वैसे संस्कार आते हैं,
और यही भावना राजकुमार जी और उनकी फैमिली ने इस समय दिखाई है। राजकुमार जी से एक बार पहले बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, ये सोच कहाँ से आई, क्या कही है? सर, बस आप लोगों को देख के, मीडिया के माध्यम से जी, मोबाइल पे देख के लोग ऐसे कोई दारूबाजी में ऐसे पैसे उठा देते हैं जी, और मैंने सोचा भला इधर ऐसे वैसे पैसे व्यर्थ करने के बजाय क्यों ना एक अच्छे कार्य में लगाया जाए, जिससे बच्चों को भी मन अपने भगवान के प्रति उजागर होएगा और भोलेनाथ के चरणों में सब होएंगे। बच्चों भी एक इधर उधर जाने के बजाय अच्छे सोच पैदा करेंगे। मतलब कि परिवार में जैसा माहौल बनाओगे तो बच्चे भी वैसा ही? जी 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 सर, परिवार का ही सबका माहौल होना चाहिए, और आगे जो हमारे नई जनरेशन है उनका दिमाग है ना भगवान के प्रति नहीं रहे जी उतना। हमको उसके जैसे हम आओ बनाने के लिए एक दुकान पे जाते हैं पंचर के लिए, हवा तो सारी जगह चलती है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए हम एक मंदिर ही बनाए गए स्पेशल। इसके अंदर आएंगे तो बच्चों को हम ये संस्कार देंगे तो मंदिर में आएंगे और उनको अच्छा लगेगा बैठ के। देखो यहाँ पर कितने भक्त जन आए थे, सब ने प्रसाद ग्रहण किया और बहुत अच्छा लगा मुझको भी और मेरी फैमिली की तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया राजकुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद, और आपके परिवार को भी आप पर और प्रभु की कृपा बनी रहे। मैम, क्या कुछ कहेंगे आप, जब आपके बेटे का जन्मदिन है इस उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम रखा? मैं जी सबको बधाई देना चाहती हूँ और सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज यहाँ अच्छा मौका मिला है अपने बेटे को की जन्मदिन पे। जैसे प्रसाद बटिया जी, भगवान के चरणों में प्रसाद का भोग लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। शिवलिंग का श्रृंगार, हाँ जी, शिवलिंग का श्रृंगार किया जी, जैसे मतलब मन को बहुत शांति मिली जी, संतोष हुआ जी मन को ऐसे। मतलब नहीं, अच्छी पहल है, लोगों को भी और आना चाहिए, लोगों को भी जी जैसे एकजुट होकर आना चाहिए। मतलब भगवान के चरणों में जैसे बच्चे भी आते हैं तो बच्चे जी जैसे नशे के प्रति नहीं जाएंगे तो भगवान के चरणों में अच्छा अपना समय बिताएंगे और जैसे लाइफ में आगे मतलब वो कभी भी तरक्की करेंगे, मतलब अच्छा लगेगा बच्चों को। बिल्कुल, नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी को अगर हम संवारेंगे तभी जा कर के हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं समय परिवार के साथ राजकुमार जी आज यहाँ पर शिव मंदिर में पहुँचे, प्रभु को याद किया, उनका गुणगान किया, आरती की, और अब बच्चों को जो यहाँ पर गांव के ग्रामीण हैं वो पहुँचे थे, उनको प्रसाद वितरण किया। और ऐसी सोच भी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो उपलक्ष्य होता है, जन्मदिन हो या कोई अन्य वर्षगांठ है, तब भी आप लोग शिव की आराधना करें, प्रभु को याद करें, तभी जा कर के आपका जीवन सफल हो सकता है। और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रयास भी करना चाहिए और चलना भी चाहिए, तभी जा कर के आपकी सोच ही दूसरों की सोच को बदल सकती है। ये प्रयास राजकुमार जी ने किया, उनके परिवार ने किया, हम धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी शिव की आराधना करें, शिव का गुणगान करें, यही उपलक्ष्य और यही सोच लेकर के आज हम गाँव इंद्रगढ़ में पहुँचे थे। और शिवलिंग की जो पूजा पाठ किस तरीके से की जाती है, आरती किस तरीके से की जाती है, ये सब आपको इस समय दिखाने का और बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव इंद्रगढ़ से पंकज कुमार।